हे गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का प्लॉट साइज देखेंगे दोस्तों, 36 बाय 64 फीट का आज का हमारा हाउस प्लान है। 2304 स्क्वायर फीट का नक्शा रहेगा। सिंगल फ्लोर का स्ट्रक्चर है, ग्राउंड फ्लोर स्ट्रक्चर है ओनली। सो एस्टिमेटेड इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो लगेगी रहेगी 15 लाख के आसपास रहेगी। गज में देखेंगे, 256 गज का हमारा मकान रहेगा। 3 बेडरूम सेट है विद सेपरेट ड्राइंग रूम। लैंड के की फीचर्स देखेंगे तो कार पार्किंग मिलेगी आपको, फ्रंट लॉन रहेगा आपके पास, 3 बेडरूम्स रहेंगे, ड्राइंग रूम रहेगा, डाइनिंग लॉबी रहेगी, 3 बेडरूम्स रहेंगे, 3 टॉयलेट्स रहेंगे, फैमिली लॉन्च रहेगा, किचन रहेगी, शेयर के जो है वो आउटसाइड से है। सो रेंटल ऑप्शन के लिए आप इस प्लान को ऑप्ट कर सकते हैं। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन दबा लें, सो दैट हमारी कोई भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। आइए प्लान की तरफ चलेंगे। तो गाइस, 36 बाय 64 फिट का हमारा प्लान है। विड्थ देखेंगे 36 फिट रहेगी। प्लॉट की लेंथ देखेंगे तो आपके पास रहेगी 64 फिट, 64 फिट के आसपास। सो फ्रंट साइड रोड है, बाकी आपके कॉर्नर प्लॉट है। आपके राइट साइड हैंड साइड देखेंगे इस तरफ भी रोड है, एक आपकी फ्रंट साइड भी रोड है। सो कॉर्नर प्लॉट है आपका। स्लैब एरिया देखेंगे 1650 स्क्वायर फिट रहेगा। लेफ्ट साइड से हमने एंट्री रखी है इसकी, ये आपकी मेन एंट्रेंस है। एंट्री करेंगे आप पार्किंग एरिया के अंदर, यहाँ आप अपनी गाड़ी वगैरह पार्क कर सकते हैं। राइट साइड में देखेंगे सो ये एरिया हमने एज एन लॉन के तौर पे, लैंडस्केप एरिया के तौर पे छोड़ा है, ग्रीन एरिया के तौर पे। सो 12 फिट ये आपकी इस प्लॉट जो बिल्डिंग बाउंड्री लाइन होगी, बिल्डिंग लाइन होगी, उससे प्लॉट की बाउंड्री जो है 12 फिट का है। सो 4.5 इंच की दीवार के बाद आपके पास 11 फिट, 11.5 फिट के आसपास जो स्पेस बचता है वाइड रहेगा ये फॉर लैंडस्केप एरिया। यहाँ से आप एंट्री करेंगे, ये आपके ड्राइंग रूम की एंट्रेंस रहेगी। सबसे पहले हम देखेंगे हमारी गेस्ट एंट्री। तो यहाँ से आप एंट्री करके आप ड्राइंग रूम में एंट्री करेंगे। 18.5 बाय 12 फिट का आपका ड्राइंग रूम रहेगा। इस तरीके से आप सी टाइप में अपनी सेटिंग लगाएंगे इस वॉल के इंक्लाइन सामने वाली वॉल पे। यहाँ पर आप अपना टीवी पैनल लगा सकते हैं। ये पूरा रास्ता आप क्लियर छोड़ सकते हैं अपने सर्कुलेशन के लिए। सामने की तरफ यहाँ पर देखेंगे आपकी ओपनिंग है, जो आपके आगे लॉबी एरिया रहेगा उसमें एक्सेस करने के लिए रहेगी। कोई भी आप घर के जो मेंबर रहेंगे उनको एक्सेस करने के लिए ड्राइंग रूम के यहाँ से आप एक्सेस करेंगे। गेस्ट एंट्री आपकी यहाँ से रहेगी थ्रू ये बरामदा। सेकेंड एंट्री देखते हैं दोस्तों, जो आपके पार्किंग एरिया से एंट्री कर रहे हैं आप, ये 3 स्टेप्स के बाद ये आपका प्लिंथ लेवल रहेगा। सो 2 फिट के आसपास आप यहाँ पर प्लस लेवल पे पहुंच जाएंगे। आपका प्लिंथ लेवल रहेगा 2 फिट का। यहाँ से आप घर के अंदर एंट्री करेंगे। आप चाहें तो इस तरीके से स्टेयरकेस क्लॉकवाइज रन कर सकते हैं। 3 फिट 3 इंच वाइड आपकी स्टेयरकेस रहेगी। 10 इंच आपका ट्रेड रहेगा राइजर एज पर योर फ्लोर फ्लोर हाइट। 6 से 7 इंच आप इसको रख पाएंगे। तो यहाँ से आपकी फैमिली एंट्रेंस रहेगी। स्टेयरकेस और ड्राइंग रूम के सेंटर में देखेंगे, ये हमने बीच में आपको किचन प्लान करके दिया है। ओपनिंग के थ्रू आप किचन में एंट्री करेंगे। डायमेंशन देखेंगे 7.5 बाय 12 फिट की आपकी किचन रहेगी। एल शेप में आप यहाँ पे अपनी स्लैब रखेंगे। यहाँ पर आप अपना सिंक रखेंगे। सेंटर में आप अपनी गैस स्टोव रखेंगे। यहाँ स्लैब कट करते हुए ये स्पेस आप एज ए रेफ्रिजरेटर के लिए अपना मार्क करके रखेंगे। सो यहाँ से आप एंट्री करेंगे। किचन से आगे की तरफ चलते हैं। घर में जब आप एंट्री कर रहे हैं, ये आपका फैमिली लॉन्च रहेगा, लिविंग एरिया रहेगा जहाँ हमने डाइनिंग रखी है। साथ में आपके फैमिली लॉन्च प्राइवेट एरिया रहेगा। डायमेंशन देखेंगे लगभग 22 फिट बाय 15.5 फिट का आपके पास ये एरिया रहेगा, जिसके अंदर सोफा सेटिंग प्लस आपकी 8 सीटर डाइनिंग आप रख पाएंगे। यहाँ से आप एक्सेस करेंगे अपने गेस्ट बेडरूम के अंदर। साइज मिलेगा आपको 13 फिट बाय 12.5 फिट का। यहाँ पर आपकी गली है, तो हमने बेड के साथ में आपके दोनों तरफ विंडो प्रोवाइड की है फॉर लाइट एंड वेंटिलेशन ऑफ दिस बेडरूम। सामने की वॉल पे आप यहाँ पे टीवी पैनल लगाएं, साथ में आप यहाँ पे अपनी अलमीरा प्लेस कर सकते हैं। अटैच टॉयलेट मिल रहा है आपको, 2.5 फिट का दरवाजा रहेगा, उससे आप एंट्री करेंगे अपने टॉयलेट के अंदर। साइज मिलेगा आपको 7 फिट बाय 6.5 फिट का। वेंटिलेटर वेंटिलेशन के लिए आप वेंटिलेटर प्रोवाइड करेंगे, जो कि गली में ओपनेबल रहेगा। लेआउट की बात करें तो यहाँ पे आप अपना वॉश मशीन लगाएं, फिर आप एंड्रेसी लगाएं। सामने की वॉल पे यहाँ पर आप अपना बेथिंग एरिया मार्क करके रख सकते हैं। इस साइड में देखेंगे, यहाँ पे हमने आपकी वॉल जो है वो सैम्पल कर दी है, सो दैट आप यहाँ पे अपना वॉश बेसिन लगाएं। और डाइनिंग एरिया के लिए वॉश जो आपका वॉश बेसिन है हैंड वॉश के लिए, आप यहाँ पे इस एरिया को यूज में ला सकते हैं। पीछे की तरफ चलेंगे, आपके दोनों बेडरूम्स रहेंगे। ये आपका बेडरूम वाला एरिया है, प्राइवेट एरिया रहेगा। पहले बेडरूम की तरफ चलेंगे, 3 फिट वाइड आप दरवाजा देंगे, 11 फिट 6 इंच बाय 13 फिट की आपकी डायमेंशन रहेगी इस बेडरूम की। इस वॉल पे यहाँ पे आप अपनी अलमीरा प्लेस कर सकते हैं। बच्चों के एरिया में आप अपनी बेडिंग करेंगे। सामने वाली वॉल पे आप यहाँ पे अपने टीवी पैनल लगा सकते हैं। अटैच टॉयलेट मिल रहा है आपको, 5.5 बाय 10 फिट का आपके पास यहाँ टॉयलेट मिलेगा। इस वॉल के इनक्लाइंड पूरी वॉल पे आप यहाँ पे अपना वॉश बेसिन लगाएंगे, जो कि 5.5 फिट वाइड आपके आपको यहाँ काउंटर मिलेगा। फिर आप यहाँ पे डब्ल्यू सी प्लेस करेंगे। लास्ट में आपका बेडिंग एरिया रहेगा।
सेकंड बेडरूम की तरफ चलेंगे। लॉन से ही आप अपने लॉबी के अंदर से आप अपने बेडरूम को एक्सेस करेंगे। 11.5x13 फीट का सेम साइज का बेडरूम आपको मिल रहा है। सेम आप इस वॉल पे अपनी अलमीरा प्लेस कर सकते हैं, सोफा वगैरह लगा सकते हैं, फिर आप बेडिंग करें। सामने वाली वॉल पे आप यहाँ पे अपना टीवी पैनल लगा सकते हैं। ओपनिंग के थ्रू आप ड्रेसिंग में एंट्री करेंगे। छोटी सी ड्रेसिंग मिल रही है आपको 5.5x5 फीट की। अलमीरा की बात करें तो आप यहाँ पर पूरी वॉल पे आप अपनी अलमीरा प्लेस करें। यहाँ पे आप अपना ड्रेसिंग दे सकते हैं। डोर के थ्रू आप अपनी टॉयलेट में एंट्री करेंगे। 5.5x5.5 फीट का आपको टॉयलेट मिल रहा है। लेआउट आपका सिंपल रहेगा, यहाँ वॉश बेसिन, फिर आपका डब्ल्यूसी, लास्ट में आपका बेडिंग एरिया। दोनों ही बेडरूम से हमने पीछे की तरफ एक्सेस दिया है। 6 फीट का आपका रियर सेटबैक रहेगा। यूटिलिटी एरिया के लिए हमने इसको यूज किया है। 6 फीट वाइड रहेगा एरिया। कॉर्नर में अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप 5.5x5.5 फीट का यहाँ पे एक स्टोर भी निकाल सकते हैं फॉर दिस यूटिलिटी एरिया। यहाँ पे आप अपना सामान रखें, साथ में यहाँ पे वॉशिंग मशीन वगैरह लगाकर यहाँ कपड़े वगैरह वॉश कर सकते हैं। सो गाइस 36x64 फीट के अंदर आपके पास 3 BHK हाउस लाइन है विद सेपरेट ड्राइंग रूम, किचन, डाइनिंग एरिया, प्लस आपका फैमिली लॉन्ज रहेगा सेपरेट। डेंटल ऑप्शन के लिए है आप इस फ्लोर को। इस प्लान को आप टिपिकली ऊपर भी बना सकते हैं अगर आपको फ्लोर सिस्टम के हिसाब से भी बनाना है। आप चाहे तो इसी डिज़ाइन को आप स्ट्रिल फ्लोर के तौर पे भी बना सकते हैं। इसको स्ट्रिल फ्लोर में यहाँ पे स्टेयरकेस रहे, बाकी सारा एरिया जो है वो पार्किंग के लिए इस्तेमाल करें। एंड ऊपर वाला जो एरिया रहेगा वो सिमिलरली आप अपना एज एन फ्लोर सिस्टम बना सकते हैं। सो गाइज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं प्लान कैसा लगा। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। आप चाहे तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई मकान बनवाना है। सो हमारी व्हाट्सएप डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप वहाँ से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सो दैट अगर 36x64 फिट के अंदर किसी को मकान बनवाना हो तो आप उसको ये डिज़ाइन एज एन प्रपोजल के तौर पर दे सकते हैं। साथ ही साथ चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें सो दैट हमारी कोई भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली मिल जाए आपको और आपसे वो वीडियो मिस ना हो। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। गुड बाय दोस्तों।